मंदिरों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माता की जय। जयकारा वीर बजरंगी। हर महादेव। मंदिरों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मंदिरों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाँ, तो मुझे लगता है कि प्रशासन की बहुत ही बड़ी डील है। एक तरफ अमरनाथ यात्रा जो अभी शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है, और वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। मतलब कल से लेके अभी तक कुछ हुए नहीं है। ऐसा क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसी क्या सोई हुई है? क्या इंटेलिजेंसी हमारे पास नहीं है? क्या CID हमारे पास नहीं है? क्या वहाँ के लोगों का पता नहीं है हमें कि कौन क्या कर सकता है? अगली रणनीति ऐसी रहेगी कि आज एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हमने जो रखा था वो अभी किया है, टायर वगैरह जलाए हैं। हम जब बताना चाहते हैं कि हम लोग काफ़ी उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी हम समय दे रहे थे, समय जिला प्रशासन का ख़त्म हो चुका है। शाम को हमारी एक सनातन धर्म सभा की एक बैठक है, जिसमें सभी ऑल जितने भी लोग हमारे हिंदू भाई हैं सभी लोग बैठेंगे। हम लोग बैठ के हमारे को डिसाइड होगा कि कल हम रियासी बंद की कॉल कैसे देंगे, क्या कर सकते हैं, क्या कार्रवाई हुई है उसमें भी हम देखेंगे। और कल रियासी बंद भी हो सकता है और एक उग्र आंदोलन हो सकता है। अगर जहाँ तक अगर कहूँगी सिर्फ इधर तक ही नहीं रुकेंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आने वाले दिनों में धर्माड़ी तक जाने की ये कॉल दे सकते हैं। साफ तौर पर ये क्लियर है कि जो हमारे यहाँ पर जो मिसालें दी जाती थी हिंदू मुस्लिम या और किसी धर्म के भाईचारे की, इसको खराब करने की पुख्ता कोशिश हमारे रियासी के अंदर बार बार हो रही है। कौन है ये लोग जो बार बार जो है धर्मों के बीच में जो डिफरेंसेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बार बार जो है रियासी का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और बार बार सनातन के जो मंदिर हैं, हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं, उनको तोड़फाड़ की जाती है। कौन है ये लोग? क्यों प्रशासन लोगों के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता? अभी तक कल की वाक्या है, अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर 4 बजे तक का समय ऑलरेडी DC साहब ने दिया हुआ है, तब तक अगर नहीं पकड़े गए वो लोग तो आज शाम को फिर उग्र प्रदर्शन होगा। और प्रदर्शन का अगला रूप क्या होगा ये आप मीडिया बंधु उसी समय देखेंगे, क्योंकि रियासी के लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। युवा सड़कों पर है, आज भी आप देख रहे हैं कितनी नारेबाजी हमारी रियासी में हुई है। साफ तौर पर हमारी यही मांग है, कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए और एक मिसाल पैदा होनी चाहिए, चाहे हमारे मंदिर हो चाहे किसी और धर्म का कोई धर्मस्थल हो। जब भी किसी धर्मस्थल के साथ छेड़छाड़ होगी, हिंदू हमेशा अपने लिए भी खड़े हैं, उनके लिए भी खड़े हैं, ये मैं बता देना चाहूँगा। आज हमारा प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण रहा अभी, पर अगर ये शांतिपूर्ण था, मैं बता देना चाहूँगा प्रशासन को कि ये शांतिपूर्ण था, अगर आज शाम तक इसका कड़ा निर्णय सरकार जो है प्रशासन ने नहीं लिया, उन लोगों को नहीं पकड़ा, फिर उग्र प्रदर्शन क्या होता है हम लोग आपको दिखाएंगे।